चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग रेल प्रॉब्लम्स, फोर्स ऑन वायर्स ये सब कर चुके थे, ठीक है? फिर जाते जाते हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा था हमने, थियरी वाला। आज आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर कल के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कल के लेक्चर में कोई थियरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद 3 लेक्चर और जाएंगे आपके, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर, मतलब आज का छोड़ के ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर और जाएंगे आपके, और चैप्टर कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? तो अब जो आज हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, पर उसके लिए आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो इमेजिनेशन अच्छी रखो, थोड़ा सोचना सीखो, ठीक है? तब जाके आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है? नीट, मेंस, इन सब में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? करें स्टार्ट। तो सबसे पहली टर्म जो आती है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट की जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? तो ध्यान से समझना, फॉर्मूले आने वाले हैं 3-4, तो आपको याद होने चाहिए। और ये फॉर्मूले आप रिलेट कर सकते हैं जो हम वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पढ़े थे, याद है? टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, याद आया? इंट्रैक्शन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, याद आया? डाइपोल एक हमारे पास था, तो टॉर्क कितना एक्ट करता था, पी क्रॉस ई। लगभग वैसा ही है यहाँ पे, बस थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ पे अच्छी आपको चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहां पे आसान क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में थी, डाइपोल को हम सिर्फ घुमा रहे थे, तो हमको सीधा सीधा सब चीज दिख जा रही थी। पर यहां पे चीजें 3D में आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी, तब आपको दिखेगी, ठीक है? अदरवाइज फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ, ठीक है? वहां से थोड़ा सा अच्छा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ। वहां तो सीधा सीधा हमको दिख रहा था, पर फॉर्मूला लगभग वही आएगा जो हम वहां पढ़े थे, ठीक है? जैसे वहां पे डाइपोल मोमेंट था, याद करो, यहां पे क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक कोई मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, वैसे हम ये बाद में भी पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है? और सिमिलरली एक हमारे पास कोई कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसा सपोज, कैसा भी हो सकता है। मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी हो सकता है आपका, ठीक है? तो एक चीज समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी तक बहुत सारा हम मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि मैग्नेट के लिए जो फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लगभग वैसी ही फील्ड लाइन आपकी आती है एक कॉइल के लिए, बनवाई थी मैंने, याद आया? तो मतलब एक चीज ऑब्जर्व की गई कि मैग्नेट के आसपास जो फील्ड आती है आपकी, वैसी ही फील्ड एक कॉइल के आसपास आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो दोनों को कंपेयर करने के लिए, दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई, दैट क्वांटिटी इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज स्मॉल एम इंटू ये लेंथ एल, ठीक है? और स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है आपका पोल स्ट्रेंथ। ये सब डिटेल में आएगा जब हम मैग्नेट की चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ ये होता है, ये सब वापस पढ़ेंगे हम, बस अभी के लिए मैं रिलेट कर रहा हूं इसको कॉइल के साथ, क्योंकि आप अभी के सेक्शन में हमको सिर्फ कॉइल के बारे में पढ़ना है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब अगर किसी कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, किधर होगा और कितना होगा, ठीक है? ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए रिलेट करो कि जो मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सेम फील्ड लाइंस ऑब्जर्व की जाती है एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए, ठीक है? तो दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन की गई, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ वो बाद में देखेंगे जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है? सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया कॉइल के लिए भी, और कितना बोला गया, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। ध्यान से सुनना, सीधे क्वेश्चन पूछता है इसके, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए, वेर ए इज एरिया ऑफ द कॉइल। चाहे वो स्क्वायर हो तो साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल हो तो एल इंटू बी, सर्कुलर हो तो पाई आर स्क्वायर, वो तो सबको आता ही है,
इन वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर। मतलब यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही आपकी एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने अच्छे से सिखाया था आपको जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, याद है? तो इसमें क्या होगा, एरिया वेक्टर कॉइल जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। अब आधे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर तो दो पॉसिबल डायरेक्शंस है, ये या अंदर वाली, कौन सी लेनी है? सिंपल जो आपको देखना है, फिंगर्स को कल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब जिधर आएगा वो आपको लेना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि दो पॉसिबल डायरेक्शन है तो कोई भी ले लो, नहीं, कोई एक ही आपको लेनी है। वो कौन सी लेनी है? जो आपका थंब बताएगा, ठीक है? सपोज मैं इसमें करंट ले लेता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब आपको एरिया वेक्टर अंदर लेना पड़ता, सही है? तो इस गिवन डायग्राम में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है प्लस जेड की तरफ, और एरिया वेक्टर की प्लस जेड की तरफ है तो एम वेक्टर की डायरेक्शन भी प्लस जेड की तरफ ही होगी। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और सबको पता है एरिया वेक्टर ऑफ अ कॉइल या ऑफ अ, मतलब कुछ भी मान लो, ऑफ अ लूप इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जिस प्लेन में आपने लूप रखा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाता है, ठीक है? कौन सी डायरेक्शन फाइनल करनी है? जो आपको थंब डायरेक्शन बताएगा। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करो, थंब जिधर आएगा वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही एम वेक्टर की डायरेक्शन। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो समझना कि फॉर द कॉइल्स, अगर कोई कॉइल है हमारे पास जिसके पास एक टर्न नहीं है, एन टर्न्स है, हैविंग एन टर्न्स, ठीक है, तब मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो जाएगा एन आई ए वेक्टर फॉर्म में, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहली चीज, ठीक है? किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया जाता है करंट इंटू एरिया, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है आई इंटू ए वेक्टर। तो यहां से सीधी सीधी चीज पता चलती है, एम वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो ए वेक्टर की होती है। अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये भी आएगा बाद में, मैग्नेटिक मोमेंट एक बार मैग्नेट का, पर वो बाद में। अभी सिर्फ जो हमको पढ़ना है वो एक कॉइल के लिए पढ़ना है, और कॉइल भी ऐसा जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकती है। आया पक्का? तो नोट करो अच्छे से क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, लिखना थियरी में, लिखो स्टार लगा के। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल या फॉर अ कॉइल हैविंग करंट आई, ध्यान से सुनना, अभी यहां से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। फॉर अ कॉइल Having current I, comma, magnetic moment is given by, magnetic moment is given by, next line में, M vector is equal to I into A vector. M vector is equal to I into A vector. Here A vector is the area vector. Here A vector is the area vector, which will be perpendicular to the plane of coil. सबको पता है क्योंकि ये मैंने गॉस लॉ में, मतलब फ्लक्स में अच्छे से पढ़ाया था। Where A vector is the area vector having the direction perpendicular to the plane of coil. लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट है मैं लिखो द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, मतलब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द कॉइल इज हैविंग कैपिटल एन टर्न्स कॉमा, देन एम वेक्टर इज इक्वल टू एन आई ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखोगे? एम इज इक्वल टू एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट जो कॉइल से फ्लो कर रहा है इंटू कॉइल का एरिया, सिंपल, ठीक है?
चलो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। चल देखो अब ध्यान से, अच्छा एक क्वेश्चन इजी वाला लेते हैं फिर उसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक रिंग है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसा, तो एम को वेक्टर फॉर्म में लिखो, रिंग की रेडियस है आर, बोलो एम को वेक्टर फॉर्म में लिखो कितना हो जाएगा, एम इन वेक्टर फॉर्म विल बी, बोलो I इंटू एरिया आर स्क्वायर, किधर के कैप। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एरिया वेक्टर आएगा प्लस जेड की तरफ और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है I इंटू ए, तो ए कितना होगा इसका, सॉरी पाई आर स्क्वायर, सो I इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप। कर लोगे पक्का? चलो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ये सब तो कर ही लोगे, ठीक है, स्पेशली मेंस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट वाले भी देखेंगे पर उनके में ऐसा पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तरीका समझना, सबको उससे ही सॉल्व करना, ठीक है। तो ये साइड है ए, ये साइड है बी, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, ध्यान देना, ये बी, ये साइड भी बी एंड दिस इज ए, ठीक, ध्यान से सुनना, करंट कैसा जा रहा है, करंट कुछ ऐसा जा रहा है, आई करंट। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, वेक्टर फॉर्म में फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। अब आधे बोलेंगे सर इसमें तो कोई क्लोज लूप दिख ही नहीं रहा है, है ना, जैसे इसमें तो चलो समझ में आ रहा था एरिया कितना है, करंट आई है तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए हो जाएगा, इसमें एरिया कैसे लें सर, है ना, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा आधे लोग सोच रहे होंगे, तो वही मैं बोल रहा हूं, इसकी एक टेक्निक है जो आपको यूज करनी है जिससे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने है, ठीक है। क्या है ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये नया है आप लोगों के लिए तो पहले देखो उसके बाद समझना, अगर मैं कुछ ऐसा बना लूं कि इसमें करंट ये जा रहा है और जस्ट नीचे कुछ ऐसा, अब देखो ध्यान से, ये तरीका ये आपको करना ही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये एक वायर ली, इसमें करंट इधर भेज दिया, नीचे उसी के जस्ट नीचे एक और वायर ली जिसमें करंट ऐसा, क्या नेट करंट जीरो है, तो ऐसा तो बना ही सकता हूं मैं, पर ये बनाने से फायदा क्या हुआ, ये आपका एक लूप बन गया, ये आपका दूसरा लूप बन गया, ये एक लूप जिसका एरिया आपको पता है ए बी, ये एक लूप जिसका एरिया आपको पता है ए बी, तो अब हो जाएगा क्वेश्चन, मान लो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है M1, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है M2, तो M1 वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बोलो, I into A, बिल्कुल सही, तो ऊपर के लूप का एरिया वेक्टर किधर आएगा, देखो XY प्लेन में है लूप, अब वही मैंने बोला इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, ध्यान देना, क्या ऊपर वाला लूप XY प्लेन में है, तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर, बाहर की तरफ, तो मतलब के कैप में एरिया आएगा आपका, तो इसका एरिया अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं दैट विल बी ए बी के कैप, ए बी क्यों समझ में आ गया, तो एम वन वेक्टर फॉर्म में बोलो आई इंटू ए, सो आई ए बी के कैप, ठीक। एम टू नीचे वाले का कौन से प्लेन में है, नीचे वाला लूप, ये वाला लूप सर एक्स जेड प्लेन में, बिल्कुल सही, सो एक्स जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब वाई के अलोंग आएगा, कैसे आएगा, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आएगा, ऊपर, तो ऊपर मतलब वाई के अलोंग, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बोलो, सो ए टू वेक्टर विल बी ए बी जे कैप, सबको पता है एरिया वेक्टर जो होता है वो लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है,
ठीक। अब एरिया वेक्टर अगर लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है तो ये नीचे वाला लूप, सेकेंड लूप जो मैंने बनाया ये, ठीक है, ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वाई के अलोंग। और कैसे? फिंगर्स को कर्ल करो थंब ऊपर, प्लस वाई के अलोंग। सो कितना आ गया एम टू वेक्टर, बोलो, करंट इंटू एरिया वेक्टर, दैट विल बी ए बी जे कैप। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप दोनों का सम, दैट इज आई ए बी कैप प्लस आई ए बी जे कैप। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, मुश्किल नहीं है, बस इमेजिनेशन करो। पहली चीज तो आपको जो पता होनी चाहिए कि गिवन लूप, अभी ये लूप पूरा नहीं दिख रहा था, तो पूरा कैसे बनाया वो समझ में आएगा। एक नई टेक्निक, क्या किया, यहां पे एक बना दिया और यहां पे ऐसा उल्टा बना दिया, और ऐसा बनेगा ही आपका, समझ में आ रहा है। देखो नेट करंट जीरो है तो बना सकते हैं ऐसा बिल्कुल, पर ये बनाने से फायदा क्या हुआ, नीचे एक लूप मिल गया, ऊपर एक्स वाई प्लेन में एक लूप मिल गया, है ना। सो एक लूप आपका कौन से प्लेन में है, लूप नंबर वन, वो एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है सबको, और सेकेंड लूप जो है वो आपका किस में है, एक्स जेड पे। तो एक्स वाई में अगर लूप है तो एरिया वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर, मतलब जेड के अलोंग, और कौन से जेड के अलोंग, फिंगर्स को कल करो करंट की डायरेक्शन में बाहर, तो प्लस के। तो एरिया वेक्टर कितना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ए बी, रेक्टेंगल है ना, तो ए बी के कैप एरिया एक वेक्टर होता है, मैंने अच्छे से सिखाया था। एम टू सेकेंड लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, सेकेंड का एरिया ऑब्वियसली ए इनटू बी, पर किधर, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर, मतलब जे कैप के अलोंग। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे पक्का? तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन एक साथ करेंगे कल के लेक्चर, कल के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन वायर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वैसे उसके में हम बहुत क्वेश्चन कर भी चुके हैं, ठीक है, पर एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, ठीक है। तो जितना अभी तक हुआ है लेक्चर नंबर 13 14 तक, वो सब कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, जितने हमसे हो पाएंगे, 15-20 तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे लेवल के, एडवांस भी, नीट भी, मेंस भी, सब लेवल के। तो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आ गया सबको? चल नोट करो यहां तक अच्छे से, कर लिया नोट सबने? चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ चार्ज्ड रिंग ड्यू टू इट्स रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से मैं एक रिजल्ट हम डिराइव करेंगे, ठीक है, वो रिजल्ट बहुत काम का है। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ चार्ज्ड रिंग ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। बहुत जगह पे आपको इसकी जो डेरिवेशन मिलेगी वो उन्होंने कैसे किया मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने एक सिर्फ एक चार्ज लेके उन्होंने डेरिवेशन किया, मतलब सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ओमेगा से आपका घूम रहा है। तो आपको एक चीज पता है, कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, किस कुछ एंगुलर वेलोसिटी है उसके पास, तो अगर कोई भी चार्ज घूम रहा है तो क्या ये इक्विवेलेंट करंट आएगा आपका? बिल्कुल। तो इक्विवेलेंट करंट कितना आएगा, ये भी शायद मैं बता चुका हूं बहुत पहले, कहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज हुआ था। तो इक्विवेलेंट करंट बोलो कितना आएगा? अच्छा, करंट किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज आपका ओमेगा से घूम रहा है लगातार, तो चार्ज के रोटेशन की वजह से एक इक्विवेलेंट करंट आएगा। कितना? क्या चार्ज बाय टाइम पीरियड? तो क्यू बाय टी, और टाइम पीरियड कितना? 2π/ओमेगा। क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई ओमेगा बाय 2π। देखो सही है यहां तक पक्का? तो मतलब एक करंट आ जाएगा आपका। तो करंट कितना आ गया? सो आई इज बेसिकली ई ओमेगा बाय 2π। तो अगर लूप में आपका करंट आया तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा? तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? सो मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी गिवन बाय आई इनटू एरिया, ठीक है। आई कितना बोलो? ई ओमेगा बाय 2π। एरिया कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सो दैट विल बी ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। चार्ज रिंग उसमें भी सेम वही फंडा है जो मैं ये हेडिंग डालो, तो ये चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज कितना है? क्यू, रेडियस कितनी है? आर, और ये रिंग घूम रही है किससे? ओमेगा, दोनों एक ही चीज है,
ठीक है, बुक्स में और एससीवी में भी इवन इससे किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को घुमाया है ओमेगा से, और सबको पता चार्ज अगर रोटेट कर रहा है तो एक इक्विवेलेंट करंट आएगा, कितना चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना 2π/ओमेगा, ठीक, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई से रिप्लेस कर दिया, सो ई ओमेगा बाय 2π, ठीक, तो करंट आ गया ई ओमेगा बाय 2π, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना करंट इंटू एरिया, करंट आया ना, तो करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना करंट इंटू एरिया, तो आई कितना ई ओमेगा बाय 2π, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है सबको, तो ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, या ई को क्यू भी रहना चाहो तो क्यू रख दो, ठीक है, सेम डेरिवेशन यहां पे है। क्या रिंग को आपने क्यू चार्ज दिया, बिल्कुल, अभी तक हम जो रिंग पढ़े हैं इस चैप्टर में वो रिंग अनचार्ज्ड है, ध्यान देना न्यूट्रल है वो, पर हाँ चार्ज तो दे ही सकते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था, तो अगर मैंने रिंग को क्यू चार्ज दिया और रिंग ओमेगा से घूम रही है तो क्या चार्ज के घूमने की वजह से करंट आएगा, बिल्कुल, क्या सेम चीज, बिल्कुल, तो इक्विवेलेंट करंट आपका आ जाएगा चार्ज जो घूम रहा है क्यू डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी 2π/ओमेगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा रिंग का, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग, एक ही बात है दोनों चीजें एक ही है, दैट विल बी करंट इनटू एरिया, सो क्यू ओमेगा बाय 2π इनटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो दोनों नोट करना चाहो दोनों कर लो, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या एक रिंग को आपने चार्ज दिया क्यू और रिंग को घुमा रहे हो ओमेगा से, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है, और चार्ज घूम रहा है तो करंट आएगा, करंट आएगा तो इस रिंग का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, कितना मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू एरिया, सिंपल, एकदम सिंपल डेरिवेशन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, ठीक है, एक चार्ज रिंग के रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, कर लोगे नोट, चलो अब वापिस आओ। अच्छा अब जो मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट तो सिखाना ही चाहता हूं, एक जबरदस्त रिलेशन मैं आपको सिखाना चाहता हूं जिसका यूज देखना कितने बेहतरीन तरीके से होगा, क्या रिलेशन है ध्यान से सुनना। तो पहली चीज तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट रिंग का निकाल दिया, एक चीज और निकालते हैं, दूसरी चीज एंगुलर मोमेंटम, आधे बोलेंगे सर यहां क्या यूज है उसका, अभी देखना ध्यान से समझ में आएगा, और सेम चीज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम एल, क्या रिंग घूम रही है, तो अगर आपने रोटेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, बिल्कुल सही है सर, आई कितना रिंग का मास है सपोज एम, बोलो आई कितना एम आर स्क्वायर, भूल गए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। थोड़ी देर के लिए एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो लेते हैं, एल बाय एम का रेशो, लो रेशो, एम ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, 2 ऊपर गया, ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर, उल्टा करते हैं, सो मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो दैट इज क्यू बाय 2m, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको स्मॉल m कर लो, मास स्मॉल m, ठीक है। रिजल्ट क्या, मैंने क्या सिखाना चाहता हूं वो ध्यान से समझो, बहुत काम आएगा एडवांस नीट मेंस तीनों में काम आएगा, क्या रिजल्ट क्या है ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ चार्ज्ड सिस्टम, फॉर अ चार्ज्ड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एक चार्ज्ड सिस्टम के लिए, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो चार्ज्ड डिस्क हो, चाहे वो चार्ज्ड रोड हो, कुछ भी हो, या वो अकेला इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो जो लूप में घूम रहा है, ठीक है, सबके लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्यों कॉन्स्टेंट, क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट स्मॉल एम कॉन्स्टेंट, स्मॉल एम मतलब सिस्टम का मास, क्यों मतलब जो सिस्टम पे आपने चार्ज दिया, सिस्टम रिंग भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो कितना होता है इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू, देखना इसका कितना खूबसूरती से हम लोग यूज करेंगे, एंड इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2m, अच्छे से नोट कर लो इसको, हेडिंग डालो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ चार्ज रिंग ड्यू टू रोटेशन, एक रिंग लो उसको चार्ज दो क्यू, उसको घुमाओ ओमेगा से, किस एक्सिस के अबाउट,
इस एक्सिस के अबाउट। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि क्योंकि चार्ज आपका रोटेट कर रहा है तो एक इक्विवेलेंट करंट आएगा, कितना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 2π/ω। ठीक, करंट आया तो इस रिंग का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, अभी अभी सीखे थे, कितना, करंट इनटू एरिया, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई पाई मर गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग। अब एक चीज और एडिशनली निकालते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग डिनोटेड बाय एल, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या, एम आर स्क्वायर होता है, एक्सिस ये वाला है, पढ़ चुके ना, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं रेशो लेता हूं एम बाय एल का, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, किसका, इस रिंग के लिए, तो कितना आता है वो क्यू बाय टू एम, वेर क्यू इज चार्ज ऑफ द रिंग, एम इज मास ऑफ द रिंग, एंड टू इज मैथमेटिकल नंबर। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है, इस गिवन रिंग के लिए विच इज चार्ज विद चार्ज क्यू एंड हैविंग मास एम, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बाय टू एम। फिर यहां से एक जनरल रिजल्ट बोला गया कि कोई भी चार्ज सिस्टम हो, चाहे वो चार्ज रिंग हो, चाहे वो चार्ज डिस्क हो, चाहे वो चार्ज रोड भी हो, कुछ भी हो, या एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन एक लूप में घूम रहा, कोई भी हो, एक सर्कल सर्कुलर लूप में घूम रहा है, सब के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एक कांस्टेंट आता है, और कितना आता है, क्यू डिवाइडेड बाय टू एम। समझ में आ गया, पक्का, सोच लो तो अच्छे से नोट करो। अब देखो इसका यूज किधर करते हैं, न्यूमेरिकल इसके बहुत पूछे जाते हैं मेंस और एडवांस और नीट में, ठीक है, देखो इसका यूज कैसे होता है, ध्यान से समझना आप। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली आपने चार्ज किया है इसको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज है Q रॉड का, टोटल लेंथ है कैपिटल L, ठीक है, और मास है रॉड का कैपिटल M, स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक, यहां पे हिंज है और B A के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, कैसे घूम रही है, समझ में आ रहा है सबको, अरे दिख रहा है, अच्छा ये सब तो रोटेशन में हम कर ही चुके हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रोड, इस रोड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जनरल मेथड जो हमने अभी तक सीखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, उससे निकालते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या किसी और तरीके से भी आ सकता है कि नहीं। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले जनरल मेथड, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अलग अलग चार्ज अलग अलग रेडियस में घूम रहा है इसमें, बिल्कुल सही बात है, सही है। रिंग में क्या था, रिंग में हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया था, क्योंकि रिंग में पूरा चार्ज कहां पे था आपका, बाहर, पूरा चार्ज आपका आर रेडियस के उसमें घूम रहा था। पर इसमें देखो, ये वाला चार्ज इतनी रेडियस में, ये वाला इतनी रेडियस में, ये वाला इतनी रेडियस में, ये वाला इतनी रेडियस में, तो अगर सबकी रेडियस अलग अलग है, क्या इक्विवेलेंट करंट आपका अलग अलग आएगा, बिल्कुल वो अलग अलग आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सबका अलग अलग आएगा। तो समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं जनरल मेथड से सॉल्व, जो हमको दिमाग में तुरंत आता है कि ऐसे किया जाए। अच्छा, इसमें और रिंग में क्या फर्क है, समझ में आ गया, रिंग में पूरा क्यू चार्ज जो है वो आर रेडियस के उसमें घूम रहा था, ठीक है, पर इसमें हर एक चार्ज अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, समझ पाते हो, रोड है ना, जैसे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे रोड घूम रही है आपकी, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब ध्यान से समझो, ये वाला एलिमेंट मैंने लिया एक, ध्यान से सुनना, अब कितना दूरी पे x, कितनी लेंथ dx, तो सबसे पहले इस एलिमेंट का चार्ज निकालते हैं, तो इसमें तो अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, चार्ज ऑफ एलिमेंट बोलो कितना, छोटा सा चार्ज dq, दैट विल बी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx, बिल्कुल सही। ये dq बताओ कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, कैक्स रेडियस के सर्कल में, अब ये भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे काम चलेगा, अरे आ रहा है समझ में, पक्का, अरे बोलो, अच्छा कैसे घूम रहा है ये, ठीक, अच्छा तो इसके घूमने से क्या एक इक्विवेलेंट करंट आएगा, बिल्कुल, क्योंकि डीक्यू चार्ज घूम रहा है, ये घूम रहा है मतलब डीक्यू चार्ज घूम रहा है, क्योंकि इसका भी चार्ज है ना, कितना ये, तो इसके घूमने की वजह से क्या एक इक्विवेलेंट करंट आएगा, छोटा सा, सो छोटा सा इक्विवेलेंट करंट बोलो डी आई,
दैट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, वो तो हम अभी अभी किए थे, सो दैट विल बी क्यू बाय एल 2 पाई ओमेगा डीएक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगर मेरे पास करंट आया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, किसका, इस छोटे से टुकड़े का। वैसे तो मुझे पूरी रोड का चाहिए, पर अभी के लिए किसका निकाल पाऊंगा मैं, टुकड़े का। सो क्या लिखा मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट, घूम रहा है ना चार्ज, घूम रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, कितना, करंट इंटू एरिया, बिल्कुल सही बात है। करंट कितना बोलो, क्यू ओमेगा बाय टू पाई एल डी एक्स इंटू एरिया, एरिया बोलो पाई एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल पाई, पाई मर गया, कितना आया क्यू ओमेगा बाय टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आया, छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट। क्या मुझे पूरी रोड का चाहिए, तो पूरी रोड का मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मान लेते डी एम, तो पूरी रोड का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन Q ओमेगा बाय 2L बाहर, किसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर dx, लिमिट x की, एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा तो 0 से लेके L तक। ये प्रॉपर मेथड है जो सबसे पहले दिमाग में आता है, सो दैट इज Q ओमेगा बाय 2L x क्यूब बाय 3 विच विल बी L क्यूब बाय 3, तो फाइनल आंसर इज Q ओमेगा L स्क्वायर बाय 6। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिस्टमेटिक चलो। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है, बिना परेशानी के अगर सिस्टमेटिक चलोगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर परेशान होगे तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी मुश्किल करेगा इस चैप्टर में, ये खासियत है इस चैप्टर की। तो सिस्टमेटिक चलो, सारे रिजल्ट्स याद रखो, कैसे अप्लाई करना है वो समझो, और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाओ, ठीक है, आंसर जरूर आएगा। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा करने से अच्छा क्या जो हमने अभी अभी सीखा उसका कुछ यूज कर सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी चार्ज्ड सिस्टम हो उस सिस्टम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट रहता है, दैट इज टोटल चार्ज बाय 2m, वेयर m इज मास। अरे आता है क्या मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इस रोड का, दैट विल बी क्यू बाय 2m इंटू l, देखते हैं आंसर आते क्या, क्या q बाई 2m, l एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोड, क्या घूम रही है, तो घूमने की वजह से i ओमेगा, पढ़ चुके, सो q बाई 2m i मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट m l स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, m m मर गया, q ओमेगा l स्क्वायर बाय 6, आंखों में चमक आई, ठीक है। तो क्या यूज है इस शॉर्टकट का, समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको m बाय l का रेशो निकाला। अब ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, अब आपको जनरल मेथड से करना है उससे करो, आपको शॉर्टकट से करना है उससे करो, वो आपकी इच्छा। कंसेप्ट क्या है कि जब भी एक लूप आपको मिलेगा उसमें कुछ करंट आएगा तो एक मैग्नेटिक, एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है विच इज मैग्नेटिक मोमेंट, दैट विल बी करंट जो लूप में है इनटू एरिया उस लूप का, सिंपल सा फंडा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, क्या चार्ज के मोशन की वजह से एक करंट आएगा, अगर लूप में करंट आ गया तो आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्या करंट इनटू एरिया। सेम यहां पे भी छोटा सा टुकड़ा लिया, क्या उसका कुछ चार्ज था छोटा सा डी क्यू, बिल्कुल था, कहां गया, ये रहा। अब क्या वो एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो क्या इस डी क्यू चार्ज के घूमने की वजह से क्या एक करंट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ये आया छोटा सा करंट, और करंट आया इस लूप में तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, कितना, करंट इनटू एरिया, तो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, पर मुझे पूरी रोड का चाहिए, इंटीग्रेशन मार दिया। ये प्रॉपर मेथड है, फिर वो हमने शॉर्टकट, क्योंकि वो रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं तो वो तो आपको यूज करना आना चाहिए, कर लोगे पक्का। चलो फिर एक होमवर्क है, एक डिस्क है, डिस्क, डिस्क क्या होता पता है ना सबको, एक डिस्क है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, और सबको पता है अभी मैं डिस्क को घुमाने वाला हूं, है ना, तो डिस्क को मैंने घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्वेश्चन है वही, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क निकालो, डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है क्यू, टोटल मास कितना है एम, कर लोगे सॉल्व, तो होमवर्क है, इसको पॉज करके नोट करो और ट्राई करो, जनरल मेथड से मुझे सॉल्व करके भेजो, शॉर्टकट से तो सब कर लेंगे, और शॉर्टकट से चेक करना आप लोग,
ठीक है, अब जनरल मेथड से मुझे सॉल्व करके भेजो, ठीक है, आंसर भेजो क्या आया, सब लोग नीट मेंस एडवांस वाले सब सब लोग, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मुझे भेजो, फिर मैं बताऊंगा सही है कि नहीं, और उसको खुद से शॉर्टकट से चेक करना। कर लोगे? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, चलो तो ट्राई करना और मुझे सेंड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सार लगा के लिखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो आगे, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप के ऊपर कितना फोर्स लगता है, ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये आपका रैंडम शेप का क्लोज लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन है इसके ऊपर बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, हेडिंग डाल लेना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लिख लेना। क्वेश्चन है बताओ एक क्लोज लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायमेंशंस वगैरह सब दी होंगी, पूछेगा बताओ कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने सीखा था कि किसी भी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्ट करता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर का यूज यहां पे आपको फिर से समझ में आएगा, बीच में एक सिचुएशन में और समझ में आया था कि जब सीधी वायर नहीं है कुछ तो ऐसी है, तब हम उसके एंड्स को ज्वाइन कर देते थे, वो एल वेक्टर बनता था हमारा, याद आया। यहां पे भी आपको एल वेक्टर की अहमियत समझ में आएगी। तो एल वेक्टर क्या था, फिर से रिवाइज करते हैं, एल वेक्टर था वेक्टर जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द वायर, वायर के एंड्स को जॉइन करने वाला वेक्टर, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये क्लोज्ड है आपकी? अगर ये क्लोज्ड है तो फॉर क्लोज्ड लूप क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तभी तो क्लोज होगा वो। तो अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो क्या मैं बोल सकता क्लोज लूप के लिए एल वेक्टर जीरो होगा, और अगर एल वेक्टर जीरो है तो क्या उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा? बिल्कुल। तो यहां से एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है, स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में लिख लेना, हमेशा ये वैलिड रहेगा। क्या रिजल्ट है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप, क्लोज है ध्यान देना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हुई फिर कुछ तो चेंज हो सकता है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। कंसेप्चुअल कभी आ जाए, क्या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स जीरो होता है? तो वो हो भी सकता है, नहीं भी, पर हाँ यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्लोज लूप किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का, ये तो मैंने रैंडम शेप ली थी, अभी मैं देखो आपको स्क्वायर में प्रूव करके दिखाऊंगा, किसी भी शेप का क्लोज लूप अगर है तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। हाँ अगर ये क्लोज नहीं है, कुछ तो ऐसी वायर है, तब तो मुझे आता ही है निकालना आई इंटू एल क्रॉस बी, किधर, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स ऐसा लगेगा। ये सब के तो मैं क्वेश्चन भी कर चुका हूं, सही है कि नहीं? चलो अब इसको और बेटर फील लेने के लिए प्रूव करते हैं एक स्क्वायर के लिए। तो सपोज ये है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, बल्कि आप प्लेन में भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आपने कैसे ली। इसमें आपने एक स्क्वायर लूप को रखा, ठीक है, स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें वो आपकी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर लूप को आपने रखा, लूप की साइड है एल, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म है, मैंने यूनिफॉर्म लिखा है ध्यान देना, ठीक है। अच्छा करंट इसमें दौड़ रहा है ऐसा आई 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 आई, तो पहली चीज तो मुझे बताओ क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल इट इज अ क्लोज्ड स्क्वायर लूप। तो अभी मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि कोई भी क्लोज लूप हो किसी भी शेप का,
उस पे नेट फोर्स एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होता है। ठीक है, लॉजिकल आप थिंकिंग कर सकते हैं, लॉजिकली आप समझ सकते हैं क्यों जीरो होगा, क्योंकि फोर्स किसी भी वायर पे होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर एल वेक्टर इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द वायर। और अगर वायर ही क्लोज कर दिया आपने तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, तो एल वेक्टर ही जीरो बन गया, और एल वेक्टर जीरो तो फोर्स भी आपका जीरो हो जाएगा। ये लॉजिकली है, ठीक है। अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि हाँ असलियत में जीरो होगा। इसमें तो मैं अभी प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बहुत रैंडम फिगर हो गई आपकी, इसमें प्रूव कर सकते हैं। करें प्रूव, चलो देखो ध्यान से। तो सारी साइड्स पे अलग अलग फोर्स निकालते हैं ए बी सी डी ए पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या आई इंटू एल क्रॉस बी, बिल्कुल एल साइड की लेंथ वो तो एल ही है। किधर लगेगा, एल क्रॉस बी, तो मैंने अल्टरनेटिव मेथड सिखाया है, फिंगर्स को एल की तरफ, पाम को बी की तरफ, थंब ऊपर जा रहा है आपका, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, ठीक। तो फोर्स ऑन ए बी की मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी, एल एक्स की तरफ, बी जेड की तरफ, दोनों में एंगल 90, तो फोर्स विल बी आई एल बी, सो आई इंटू एल, लेंथ एल ही है, इंटू बी। अब बात करते हैं फोर्स ऑन बी सी, ध्यान से सुनना। बीसी के ऊपर फोर्स क्या इन टू एल क्रॉस बी, बिल्कुल एल, अब मैं इतना ऊपर नहीं ले जा सकता, यहीं से समझना, एल की तरफ अपना क्या करो, फिंगर्स को करो, आप उससे भी कर सकते हैं, किससे, वेक्टर प्रोडक्ट से, एल क्रॉस आर कर लो, अब आपकी इच्छा, ठीक है। मैं अल्टरनेटिव मेथड सिखा रहा हूं, एल की तरफ अपना फिंगर्स को करो, पाम होनी चाहिए बी की तरफ, क्या बी अंदर है, तो पाम एकदम अंदर सही है, थंब किधर आ रहा, राइट की तरफ, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ बी सी, फोर्स ऑन बी सी। मैग्नीट्यूड कितना, एल और बी में इसके लिए भी एंगल 90, तो फोर्स विल बी आई एल बी। आप रेक्टेंगल लेके भी कर सकते, तो आपकी इच्छा। सी डी पे बोलो फोर्स ऑन सी डी, दैट विल बी मैग्नीट्यूड वाइज आई एल बी ही होगा, क्योंकि एल और बी में यहां भी एंगल कितना है आपका 90। किधर होगा, एल क्रॉस बी, एल की तरफ चारों उंगलियां, पाम आपकी बी की तरफ, थंब आ रहा है नीचे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ सी डी। कौन बचा, एफ डी ए, सो एफ डी ए पे फोर्स एल क्रॉस बी लेफ्ट की तरफ, सो दिस विल बी योर एफ डी ए, और वैल्यू कितनी एफ डी ए की, दैट विल बी आई एल बी। देखो ध्यान से, अब इस पे ऊपर, इस पे नीचे, इस पे राइट, इस पे लेफ्ट, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल, क्यों, मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखो ए बी का और सी डी का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टी, सिमिलरली बी सी और डी ए के लिए मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टी, क्या सब एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, सो नेट फोर्स कितना आएगा आपका, जीरो। तो क्या यहां से रिजल्ट आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, हमेशा वो जीरो होगा, हमेशा। क्लोज लूप की बात हो रही है, क्लोज नहीं है तब आप आई इन ट्वेल्व क्रॉस बी, क्लोज मतलब नहीं है, मतलब ए बी बी सी सी डी तक है बस, ए डी है, मतलब ये है ही नहीं, क्लोज नहीं है, सिर्फ इतना है। क्या तब आएगा, तब तो बिल्कुल आएगा, तब आपको कैसे करना पड़ेगा, ए बी पे अलग से निकालो, बी सी पे अलग से, सी डी पे अलग से, जो मैंने अभी अभी निकाला, पर ए बी डी सी का कैंसिल हो जाएगा, पर बी सी का कोई कैंसिल नहीं कर सकता, सो नेट फोर्स तो रहेगा लूप में। अरे कर लोगे पक्का, हाँ। और इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेना क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखे, इज नॉट नेसेसरीली जीरो, ये ज्यादा अच्छा है, इज नॉट नेसेसरीली जीरो, मतलब हो भी सकती है नेट फोर्स जीरो और नहीं भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, समझ रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है, मतलब पूरे रीजन में फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करे, मतलब वेरी कर रही है आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी पे जब फोर्स लगेगा तो उसके लिए फील्ड कुछ और होगी, डी ए के लिए कुछ और होगी, बी सी के लिए कुछ और होगी, सेम भाई अब आपको समझ में आएगा, किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, सामने मान लो एक स्क्वायर लूप रखते थे, तो याद है स्क्वायर लूप के ऊपर नेट फोर्स आया था लास्ट क्लास में हमने किया था,
एक इनफाइनाइट वायर के डी डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक स्क्वायर लूप रखा था, तो हमने एक चीज देखी थी, स्क्वायर लूप पे ऊपर नीचे के फोर्स तो कैंसिल हो गए थे, पर लेफ्ट राइट वाले फोर्स कैंसिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाली साइड मतलब इधर वाली जो पास में है वायर के, वहां पे फील्ड ज्यादा थी, फील्ड ज्यादा थी तो फोर्स ज्यादा था। याद आया? याद आया? हाँ, तो इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं था। तो वो किसका एग्जांपल था? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, बिकॉज एक इनफाइनाइट वायर क्या प्रोड्यूस करती है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में जब आप उस स्क्वायर लूप को रखोगे, क्लोज लूप था ना, बिल्कुल था, पर तब भी वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ नेट फोर्स था। समझ में आ गया? पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म में अगर क्लोज लूप को रखोगे तो वो पक्का नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े, तो यहां तक नोट करो अच्छे से। चल, कर लिया नोट? चल, तो नेक्स्ट लिखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो था फोर्स, अब बात आती है टॉर्क की। यहां पे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब अगर विजुअलाइज नहीं किया तो शायद समझ में ना आए, पर हां, समझ में भी नहीं आया तो परेशान नहीं होना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट से ही काम चल जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स रिजल्ट से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पर हाँ, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना कि कैसे घूम रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगा, नो डाउट, मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखो ध्यान से, सपोज किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी बाहर की तरफ। ठीक है, ध्यान से अब सुनना, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, कैसे आएगा वो देखो। इसमें आपने एक लूप को रख दिया, सपोज रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ये साइड है L, ये है आपका B, करंट दौड़ रहा है इसमें ऐसा, ठीक। चल, कितना करंट दौड़ रहा है आपका, सपोज I, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो नाम दे देते हैं इसका A, चलो ऐसा यहां से नाम देते हैं A, B, C, D, ठीक है, A, B, C, D। तो सबसे पहला सवाल है A, B, C, D लूप पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन द लूप A, B, C, D कितना होगा? ठीक है, सोच के बताना, A, B, C, D लूप पे नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, सोचो सोचो सोचो, क्या एक क्लोज लूप है? सोचना क्या है उसमें, क्या एक क्लोज लूप है? बिल्कुल, एक क्लोज लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो, अभी अभी तो देखा था, या कर लो खुद से, कैसे करोगे? I into L cross B, बिल्कुल, L, B इस बार बाहर है ऊपर, अरे है, इस पे चेक करना नीचे, इस पे चेक करना इधर, इस पे चेक करना इधर, और इस पे कितना आएगा? आई एल बी, क्योंकि लेंथ L है, इस पे कितना आएगा? आई एल बी, पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इस पे आएगा आई बी बी, क्योंकि इसकी लेंथ B है। क्या होता है फोर्स आपका? आई इंटू एल क्रॉस B, लेंथ कितनी है आपकी? B, तो आई बी बी, इसका आई बी बी, चेक करना ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो, और वो तो मुझे पहले से पता है, नेट फोर्स ऑन द लूप ए बी सी डी किसी भी क्लोज लूप पे नेट फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड में वो कितना होता है? जीरो। अच्छा, टॉर्क कितना है इस केस में? टॉर्क कितना है, ध्यान से सुनना, देखो फोर्स निकाल ही लेते हैं, एल बी बाहर तो फोर्स आया ऊपर, कितना आया बोलो? आई एल बी, बिल्कुल, इस पे चेक करना ही आएगा नीचे, आई एल बी, ठीक है, इस पे बोलो कितना? आई बी बी, किधर आएगा? सही बनाया क्या? एल वेक्टर बी इधर तो उधर, बिल्कुल सही है, और ये कितना आएगा? आई बी बी, ठीक है। तो देखो, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट फोर्स कितना? जीरो। नेट टॉर्क भी कितना आएगा इस केस में? जीरो आएगा, ठीक है। क्यों आएगा नेट टॉर्क जीरो बोलो? क्योंकि सारे के सारे का लाइन देखो यहीं से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क भी कितना आएगा आपका? जीरो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, थोड़ा रोटेट करवाता हूं। अब आपको इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ध्यान से समझना कैसे घुमाया है वो, आगे देखो सब लोग
समझने की कोशिश करना थोड़ा। इसका मैं एक टॉप व्यू और बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपको और बेटर समझ में आए, पर यहीं से समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा। देखो घुमाने से पहले एक चीज देखो कि जो स्टार्टिंग में ये मैंने लूप रखा था, तो स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर किधर था आपका? फिंगर्स को कर्ल करो, बाहर। तो स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर बाहर था, क्या फील्ड भी बाहर थी? तो स्टार्टिंग में दोनों में एंगल कितना था बोलो? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए इज एरिया एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना था स्टार्टिंग में? वॉज मतलब इज इस सिचुएशन में 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? देखो सिखाया ना, एक्स वाई प्लेन में है लूप, तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे आएगा? फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर, क्या फील्ड भी बाहर दिख रही है? डॉट डॉट डॉट, तो फील्ड भी बाहर, आपका एरिया भी बाहर, दोनों में एंगल कितना? 0। तो वही मैंने लिखा है, दोनों में एंगल 0 डिग्री। ठीक है यहां तक? अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, कैसे घुमा रहा हूं समझ में आएगा आपको, ध्यान से समझना, थोड़ा ट्राई करना समझने की। ठीक है देखो ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं? इसके अबाउट, ओमेगा से। ठीक है, कैसा दिखेगा आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, वैसे आ जाएगा समझ में मुझे लगता है। क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल। कितना एंगल से घुमाया? सपोज थीटा एंगल से। देखो समझ में आ रहा है? आ रहा है। अच्छा करंट कैसे है? करंट अभी भी यही है, आई 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 आई, सही है। पर अब अगर आपने ध्यान से देखा तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल चेंज हो गया। कैसे? सपोज मैंने इस लूप को अगर थीटा एंगल घुमाया है, ऐसा था ये, अगर मैंने इसको थीटा एंगल घुमाया है तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में भी एंगल चेंज हो गया आपका। ये इमेजिनेशन थोड़ा लेके आओ। देखो स्टार्टिंग में लूप ऐसा था, समझो फ्रंट व्यू देखो इसका, मतलब जो आपको सामने से दिखेगा, स्टार्टिंग में लूप ऐसा था, फील्ड बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर जो आपका आ रहा था वो भी बाहर की, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी बाहर, बी भी बाहर, दोनों में एंगल 0 डिग्री। बिल्कुल सही समझ में आ रहा था। फोर्स ऑन द लूप 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, क्लोज लूप है, बिल्कुल सही। टॉर्क भी कितना था उस सिचुएशन में? 0 था। चलो सब कुछ समझ में आ रहा है वो। ठीक, अब मैंने क्या किया ध्यान से देख, ध्यान से समझना। इस लूप को मैंने हल्का सा घुमा दिया थीटा। ठीक है, कैसे घुमाया समझ पा रहे हो? ये इमेजिनेशन का खेल, आप इमेजिन करना। हल्का सा घुमाया मैंने थीटा एंगल से। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट? वो मैंने यहां बताया। ठीक है, तो थीटा एंगल से मैंने हल्का सा घुमाया, तो अगर आप हल्का सा घुमाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, अब एरिया वेक्टर ऐसा आएगा लूप के परपेंडिकुलर। अब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में कुछ एंगल बनेगा आपका, कितना? जितना आपने घुमाया है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उसी से घूम जाएगा, फील्ड नहीं घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ है, घूम कौन रहा है? आपका लूप, और लूप घूमने की वजह से एरिया वेक्टर घूमा। तो अगर लूप थीटा एंगल घूमा तो कोरस्पोंडिंगली एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूमेगा, पर बी तो अभी भी उधर ही है बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर और बी में क्या एंगल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, कितना हो जाएगा? थीटा। सो इस सिचुएशन में क्या होगा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, और एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, यहां पे भी बोल सकते हो एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट वही होता है जो एरिया की डायरेक्शन। अच्छा अब अगर दोनों में एंगल थीटा है, ठीक है, अब टॉर्क कैसे लगेगा, कितना लगेगा? अगर आप विजुअलाइज कर पाए, ध्यान से सुनना, ऊपर की साइड पे फोर्स, नीचे की साइड पे फोर्स, ऊपर नीचे, इनका इस लूप को वापस लाने में कोई रोल नहीं होगा। क्यों? देखो ये लूप आपने ऐसा घुमाया, ठीक है, तो अगर रिस्टोरिंग टॉर्क कोई फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो वो वापस ऐसा लाना चाहेगा इसको? बिल्कुल, अरे लाना चाहेगा, यहां से आपने ऐसा घुमाया ना, तो कोई ना कोई फोर्स अगर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है तो वो वापस ऐसा लाना चाहेगा। पर देखो इनके ऊपर जो लग रहा है, इनके ऊपर, क्या वो कभी वापस ला पाएगा? नहीं। कौन ला पाएगा? देखो
मैं समझाता हूं कौन ला पाएगा आपका, एक इसके ऊपर जो लग रहा है, एक इसके ऊपर जो लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है इसके ऊपर फोर्स, कितना लग रहा है I × L क्रॉस B, अरे है। तो वहां से इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स, ये दोनों मिल के इसको देखो, यहां से आपने मतलब ऐसा था, ऐसा से ऐसा घुमाया, ये दोनों के ऊपर लग के फोर्स वापिस से ऐसा कर देंगे, ठीक है। कैसे कैसे लगेगा देखो, इसके ऊपर ऐसा पीछे की तरफ और इसके ऊपर आगे की तरफ, तो एक घूम के वापिस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू अगर इसका आप देखेंगे ध्यान से, ऊपर से जब आप देखेंगे ऐसा, ऊपर से आप इसको लूप को देखो, देखो ऐसे लूप रखा हुआ है, दिख रहा है फ्रेम में, हाँ ऐसे लूप रखा हुआ है, फील्ड ऐसी बाहर की तरफ है, इनिशियली एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। अब आप ऊपर से इस लूप को देखो, तो जब आप ऊपर से लूप को देखोगे तो आपको सिर्फ एक ये साइड दिखेगी, ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, क्या सिर्फ वो दिखेगी, और फील्ड आपके लिए ऐसी दिखेगी। तो अगर आप फील्ड को ऐसा उल्टा कर दो तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा, टॉप व्यू। थोड़ा बेटर समझने के लिए ध्यान से देखो, टॉप व्यू जो होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, फील्ड ऐसी मान लो, ठीक, और आपको जब ऊपर से देखोगे तो लूप को की सिर्फ एक साइड दिखेगी, लूप आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये होगी आपकी एल। तो आधे बोलेंगे बी किधर गया, बी आपका अंदर की तरफ गया, ऐसा ऊपर से समझो कैसे बना है, ये टॉप व्यू है आपका। अरे समझ पा रहे हो पक्का, अच्छा, या ऐसा समझना है, ऐसा समझ लो जिसमें आपको अच्छा लगे वो समझ लो, ठीक है। अब था क्या इनिशियली, देखो इनिशियली आपको ये लूप ऐसा दिखेगा, ये एल साइड दिखेगी, बी साइड अंदर की तरफ दिखेगी, और ये आपको दिखेगा एम वेक्टर, जो कि किसकी डायरेक्शन में था इनिशियली, बी वेक्टर की। देखो इनिशियली एम वेक्टर बाहर, जो इधर एरिया वेक्टर, बी वेक्टर भी बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे इनिशियली। देखो जहां बी उधर ही आपको एम दिखेगा। अब आपने इसको कैसा घुमाया, थीटा एंगल से घुमाया ऐसा, ठीक है। तो टॉप व्यू से जब आप देखोगे आपको ये कुछ ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा, मतलब थीटा एंगल घूम के ये ऐसा चला गया, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब ये थीटा से घूमा तो साथ में क्या घूमा, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर या बोलो मैग्नेटिक मोमेंट। देखो आपको और बेटर समझ में आएगा इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट लूप के परपेंडिकुलर, ये इनिशियली ऐसा था मैग्नेटिक मोमेंट, बाद में ऐसा, बी वेक्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बी वेक्टर वैसे का वैसा ही है, पर जो एम वेक्टर है वो आपका क्या होगा, इस लूप को ऐसे घूमने की वजह से एम वेक्टर ऐसा जाएगा। तो एम वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, किसके साथ, पुरानी पोजीशन के साथ, मतलब क्या था, ऐसा था पहले, ऐसा था, अब घूम के ऐसा गया, अब एम वेक्टर ऐसा हुआ आपका। तो पहली पोजीशन के साथ एम वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, पर बी वेक्टर को अनचेंज रखा आपने, बी वेक्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बी वेक्टर बाहर का बाहर ही है, ठीक है। तो इनिशियल सिचुएशन में एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है, फाइनल जब आपने थीटा घुमाया तब एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा। अब कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ध्यान से देखना, ये जो अंदर की तरफ साइड गई कौन से वाली, बी वाली, उस पे फोर्स आपको कुछ ऐसा लगता हुआ दिखाई देगा, है ना। कितना फोर्स होगा, आई एल क्रॉस बी, दैट विल बी आई बी बी, और सिमिलरली इधर भी एक एज दिखेगा उस पे फोर्स लगेगा आई बी बी, और बाकी दोनों पे जो आई एल बी लगेगा वो कभी भी उस लूप को वापस नहीं ला सकता, उसका लूप के वापस लाने में कोई योगदान नहीं है। यहां से भी समझ सकते हो, जो L वाली साइड्स पे फोर्स लगेंगे आई एल बी वो कभी भी लूप को वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते, सिर्फ कौन से ला सकते हैं, जो इन पे लगेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा, तो ऐसा वापस लेके आएंगे उनको। तो टॉप व्यू से जब आप देखोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, समझ में आ गया। सो आई एल बी जो फोर्स लगेंगे उन दोनों साइड्स पे, एल वाली साइड्स पे, वो वापिस लाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। किन फोर्सेस की वजह से वापिस आएगा, ये जो आई बी बी है और ये जो आई बी बी है, इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो टॉर्क कितना आएगा आपका, सो टॉर्क विल बी, क्या दोनों कपल बना रहे हैं, और एक कपल का टॉर्क आपको आता होगा निकालना, एक कपल का टॉर्क कितना होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आया। तो आइदर फोर्स मतलब आई बी बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा अलग से मैं बनाता हूं, ये साइड आपको एल है, ठीक है, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, कौन सा एंगल थीटा दिख रहा है,
ये वाला एंगल थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में क्या ये होगा, ये एल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी एल साइन थीटा। अरे बनेगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कपल का टॉर्क निकालने का तरीका, सो दैट विल बी एल साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, टॉर्क विल बी आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। अरे है बोलो, और ये टॉर्क किधर होगा, ध्यान से अब समझना, क्या टॉर्क की डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से निकाली जाती है, तो देखो ध्यान से, आर वेक्टर क्या ऐसा है, एफ वेक्टर क्या ऐसा है, तो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, सही है, वैसे उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, ये आई एल बी तो कुछ है ना, क्या एल बी एरिया ऑफ द लूप है, क्या आई करंट है, और करंट इंटू एरिया क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, याद आया। सो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म विल बी एम क्रॉस बी, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी। अब आधे बोलेंगे सर बी क्रॉस एम नहीं हो सकता, ये एम क्रॉस बी ही क्यों है, कैसे डिसाइड किया, देखो ध्यान से, आर क्रॉस एफ से जब आपने टॉर्क निकाला वो आया अंदर की तरफ, है ना, तो अंदर की तरफ देखते हैं किससे आता है, बी क्रॉस एम से कि एम क्रॉस बी से। देखो एम आपका ऐसा था, बी आपका ऐसा था, जब आप बी क्रॉस एम करोगे तो आपका जो आएगा वो बाहर आएगा, पर आपका टॉर्क आर क्रॉस एफ से किधर आ रहा है, अंदर, तो अंदर किससे आएगा आपका, एम क्रॉस बी से, सो एम से बी की तरफ अंदर की तरफ। सो टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला कितना हो गया, एम क्रॉस बी। सो फॉर अ करंट कैरिंग क्लोज लूप टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा, वेर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, बी इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब किसी लूप को अगर आप थीटा एंगल से घुमाते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, दैट इज एम बी साइन थीटा। अब सवाल उठता है इस सिचुएशन में टॉर्क क्यों नहीं एक्ट कर रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन में एम बी बाहर था, बी भी बाहर था, दोनों में एंगल था जीरो, जब आप साइन जीरो डालोगे, साइन जीरो इज जीरो, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी जीरो, तो टॉर्क आपका कितना आया था, जीरो। और एंटी पैरेलल होगा तब भी आपका एंगल आएगा 180 डिग्री, तब भी टॉर्क जीरो आएगा। मतलब अगर ये लूप ऐसा रखा होगा, सपोज फील्ड अभी भी बाहर है और लूप को आप रखो ऐसा और करंट दौड़ा दो उल्टी डायरेक्शन में, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब बताओ एम वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ, तो एम वेक्टर अंदर, बी वेक्टर बाहर, दोनों में एंगल होगा 180 डिग्री, पर अभी भी टॉर्क कितना आएगा आपका, जीरो। मतलब दो सिचुएशन में टॉर्क जीरो है, किस किस में, जब एंगल जीरो है और जब एंगल 180 डिग्री है। और आपको एक चीज पता है, फोर्स तो हर सिचुएशन में जीरो है, क्योंकि एक क्लोज लूप पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, अब आप इसको रिलेट कर सकते हो जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, याद है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप थीटा एंगल से रोटेट करवाते थे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था पी ई साइन थीटा, पी था डाइपोल मोमेंट, बस यहां पे हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, सेम रिजल्ट है, क्या टाउ पी क्रॉस ई था, यहां एम क्रॉस बी है, सिंपल, बस वहां का पी अलग था, वो था चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस डाइपोल के लिए, यहां पे m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो n इनटू i इनटू a, कर लोगे क्या वहां पे। उसके बाद हम तीन चार चीजें और पढ़े थे, सेम चीजें यहां एप्लीकेबल है, क्या क्या पढ़े थे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कब इक्विलिब्रियम में होगा, और कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो, अभी टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, तो नेट टॉर्क जीरो किस सिचुएशन में आ रहा है, जीरो डिग्री में, 180 डिग्री में, वहां पे भी यही आया था। मतलब जब आपका लूप का जो m वेक्टर है वो b वेक्टर के साथ या तो 0 डिग्री एंगल बनाए, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, या एंटी पैरेलल हो, तब वो लूप किस में रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब उस सिचुएशन में, मतलब जैसे ये सिचुएशन है, ना तो कोई टॉर्क एक्ट करेगा ना ही कोई फोर्स। अब किस सिचुएशन में था आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किस सिचुएशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर आपको याद हो 0 डिग्री में आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि 0 में जब आपने उसको घुमाया था थोड़ा सा तो वो वापिस आने की कोशिश कर रहा था, और 180 डिग्री में जब घुमाया था और दूर जा रहा था, इसमें भी सेम वही है, जब दोनों के बीच में m और b के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा
कॉइल विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब दोनों में एंगल 180 डिग्री होगा तो कॉइल आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। फिर उसमें एक चीज हमने और पढ़ी थी, इंटरेक्शन एनर्जी माइनस पी डॉट ई, याद है, सेम यहां पे भी है। एक कॉइल की इंटरेक्शन एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा। फिर उसमें एक चीज और हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, सेम यहां पे है। कॉइल में जो एम वेक्टर है वो इनिशियली बी वेक्टर साथ थीटा वन एंगल बना रहा है, फाइनली आपने और घुमा दिया, जैसे यहां से समझो इनिशियली ऐसा था एम और बी में एंगल थीटा वन, आपने और घुमा दिया एम और बी में एंगल थीटा टू कर दिया, तो क्वेश्चन पूछता है यहां से यहां घुमाने में कितना वर्क हुआ, तो कितना वर्क होगा, फाइनल जगह पे जो एनर्जी होगी माइनस इनिशियल जगह पे जो एनर्जी होगी, तो इनिशियल जगह पे कितनी होगी माइनस एम बी कॉस थीटा वन, और फाइनल जगह पे कितनी होगी माइनस एम बी कॉस थीटा टू, सो वर्क डन विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज। कर लोगे सॉल्व, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वापिस मैं लिखवाऊंगा, यहां तक नोट कर लो अच्छे से, समझने की कोशिश करो टॉर्क कैसे लगा, 3D में समझना, टॉप व्यू में मैंने बताया, ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा फाइनल फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस होंगे, पर हाँ एडवांस वालों को आपको डेरिवेशन समझनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी आपके टाइम पीरियड के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने डाइपोल में पढ़े थे कि थोड़ा सा आपने घुमा दिया, बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, सो टाओ निकाल लोगे उस पोजीशन पे, एम बी साइन थीटा, छोटे एंगल के लिए थीटा थीटा, तो एम बी थीटा हो जाएगा, उसको आप किससे इक्वेट कर दोगे आई अल्फा से, अल्फा आ गया है ना, फिर अल्फा से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहां पे भी वैलिड है जो वहां पढ़े थे, बस इसका डेरिवेशन थोड़ा आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।